Hello students. Students, today we are going to discuss class 10 geography. And students, it is the chapter 4 agriculture. Related to this lesson, some video already we have discussed students with you, and it is the fifth video. इसके पहले बच्चों हम लोग फोर्थ वीडियो डिस्कस कर चुके हैं. फोर्थ वीडियो में इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया गया है. बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ने देखा था मुख्य रूप से फूड क्रॉप्स. अब फूड क्रॉप से मुख्य रूप से कौन क्या देखा था? हम लोग ने राइस के बारे में डिस्कस किया था, वीट के बारे में डिस्कस किया था, मिलेट के बारे में देखा था बच्चों. कहाँ पे कौन से प्लेस होते हैं, किस तरह का रेनफॉल होता है, किस तरह के टेम्परेचर होते हैं, और किस प्लेस पे कितना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, यह सब हम लोग ने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया था. बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. अब इसके अलावा हम लोग और महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स को देखेंगे अदर देन ग्रेन्स, जो ग्रेन्स से अलावा आते हैं. जैसे आप लोग ने राइस देखा था, वीट देखा था, और इसके अलावा आपने क्या देखा था, मिलेट डिश देखा था जिसमें बाजरा. तो क्या थे ये सब ग्रेन्स? मुख्य रूप से मोटे अनाज थे. अब हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट शुगर कैन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सब क्या होते हैं. ये सब मुख्य रूप से ग्रेन्स में नहीं आते, लेकिन इसकी भी जबरदस्त आवश्यकता लोगों के भोजन में होती है. विदाउट शुगर कैन, विदाउट ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो, आई विल टोल्ड यू व्हाट इज दीज एवरीथिंग. हम आपको बताएंगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है. हाँ बच्चों देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट अबाउट शुगर कैन. अब आप शुगर कैन के बारे में देखेंगे, शुगर कैन किस तरह का प्रोडक्ट है, और इसका प्लेस कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है, किस स्थान पे ज़्यादा शुगर कैन होता है, टेम्परेचर कैसे इसके लिए आवश्यकता होती है, रेनफॉल इसके लिए किस तरह की आवश्यकता होती है. तो सबसे पहले बच्चों टेम्परेचर, शुगर कैन के लिए कैसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? शुगर कैन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल बच्चों इसके लिए बरसात कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. कौन से प्लेस होते हैं जहां पर मुख्य रूप से पैदा होता है शुगर कैन? बच्चों प्लेस होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन आपको पता है वो सारा प्लेस जो ट्रॉपिकल एरिया के आते हैं, मुख्य रूप से वहां पर शुगर कैन और सब ट्रॉपिकल में ज्यादा मात्रा में होता है. और इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? इसको लिए चाहिए नीड मिनिमल लेबर. मिनिमल लेबर क्या है? मिनिमल लेबर दैट मीन्स फिजिकल, पर्सनल, इंडिविजुअल, लोगों के द्वारा, लोगों की आवश्यकता होती है. लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मेहनत करने की आवश्यकता होती है, काटने में, तैयार करने में, वाच करने में. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फिजिकल लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड दिस क्रॉप्स. और इन अदर कंट्री, दूसरे कंट्रियों में, डेवलप कंट्रियाँ जो है वहाँ क्या है? वहाँ बच्चों टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसलिए फिजिकल लेबर की इतनी आवश्यकता नहीं है. वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से नई नई मशीनें बनाए हैं जिसके द्वारा बहुत सारे वर्क होता है. उदाहरण के लिए आप देखिए, आज की अगर आप 10 साल पहले जाइए तो क्या था? किसी दूसरे प्राइस की आप चर्चा करिए, वीट की आप चर्चा करिए, क्या इसी तरह का सिस्टम पहले था? जिस तरह से राइस तैयार होता है मशीनें से, घर घर मशीनें जाके वीट तैयार होने का जो सिस्टम है, ये क्या बहुत पहले था? आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई, मशीनें आई, थ्रेसर आया, सिस्टम चेंज हुआ. वही पोजीशन शुगर कैन के बारे में भी कुछ प्लेसों पे है, बट नॉट नाउडेज, नॉट इन टू कंट्री. आपके यहाँ क्या है, भारत देश में क्या है मैक्सिमम वर्क शुगर कैन से रिलेटेड क्या होता है? मिनिमल लेबर से रिलेटेड. शुगर कैन तैयार होने के बाद आप क्या करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट, वो अलग बात है. जो शुगर कैन जब तैयार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अब शुगर कैन मुख्य रूप से किस तरह की फसल है? शुगर कैन किस तरह की फसल है बच्चों? जो रॉ मटेरियल जिसको के रूप में बहुत आयत यूज होती है, इसको रॉ मटेरियल के रूप में भी
बिकॉज बाय द शुगर केन फ्रॉम यू यूज इट इन द इंडस्ट्री लाइक शुगर जगेरी जगेरी गुड़ बनता है ना बच्चों, तो रॉ मेटेरियल होगा आपका क्या शुगर कैन ही, तो रॉ मेटेरियल होगा उसी से शुगर तैयार होगा। तो इसीलिए स्पेशली शुगर कैन को रॉ मेटेरियल के रूप में भी इंडस्ट्रियों में फैक्ट्रियों में बहुत सारे प्लेसों पे यूज किया जाता है। गुड़ वैसे भी कई साधारण प्लेसों से अपने तरीके से लोग तैयार करते हैं, बट टू दैट प्लेस ऑल्सो शुगर कैन इज एज अ रॉ मेटेरियल, वहां पर भी शुगर कैन रॉ मेटेरियल ही होता है। व्यक्ति किसी तरीके से उसको यूज करे, कोई भी प्रोडक्ट उससे तैयार करे, इससे और क्या बनता है बच्चों, कंसारी होती है, ये भी बनाते हैं लोग। अब इसका महत्वपूर्ण पॉइंट व्यू पॉइंट आप इसका समझिए, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। अब आप देखिए भारत देश क्या है, भारत देश शुगर कैन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री है। सो स्टूडेंट्स, विच इज द फर्स्ट कंट्री, विच इज द फर्स्ट प्रोडक्शन कंट्री ऑफ शुगर कैन, दैट इज ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट पे है, भारत देश सेकंड पे है स्टूडेंट्स। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लेस मोस्टली, व्हिच इज द प्लेस, व्हिच इज द स्टेट वेयर ही इज गुड, इट इज अ गोइंग टू प्रोडक्ट, मुख्य रूप से इसका प्रोडक्शन किस प्लेसों पे ज्यादा होता है, हम उसके बारे में बच्चों देखते हैं। तो बच्चों आप प्लेस जो है मुख्य रूप से आपका है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। सो स्टूडेंट्स, दीज आर मोस्टली स्टेट्स वेयर शुगर कैन इज प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में शुगर कैन जहां होते हैं सो स्टेट्स। अब हम लोग क्या समझा जा रहा है बच्चों, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या है, ऑयल सीड्स बच्चों वह है जो हम लोग के खाने में मुख्य रूप से यूज होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल आल्सो बी यूज इन आवर फूड, हम लोग भोजन में कई तरह के ऑयल्स यूज करते हैं, उसके अलावा भी ऑयल्स का हम लोग यूज करते हैं बच्चों। जैसे देखिए ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सिसमम क्या होता है, तिल का तेल बच्चों, सोयाबीन ऑयल और कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर्स, ये सब के क्या होते हैं बच्चों, ये सबसे ऑयल तैयार किए जाते हैं। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सोप्स का प्रयोग क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियों में सोप्स तैयार होते हैं और कॉस्मेटिक्स एंड ऑयलमेंट्स, डिफरेंट टाइप से मटेरियल यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं किसके द्वारा, ये क्या होता है ऑयल सीड्स आपका, ऑयल वहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में होता है और आपके सॉप्स कॉस्मेटिक्स मटेरियल ऑयलमेंट्स ये सब तैयार किए जाते हैं जो लोग यूज करते हैं। तो बच्चों ये किस तरह के क्रॉप्स हैं, ग्राउंड नट मोस्टली क्या है, खरीफ क्रॉप्स है, क्या है, खरीफ क्रॉप्स है बच्चों या ग्राउंड नट। और मेजर ऑयल सीड्स आप याद रखिएगा क्या है, मेजर ऑयल सीड्स, मुख्य रूप से इससे ऑयल अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है, किससे, कोकोनट्स, विच इज अ खरीफ क्रॉप स्टूडेंट्स। इसके प्लेस मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, ऑयल सीड्स के जहां पर यह ज्यादा मात्रा में मिलता है बच्चों, तो इसके वह प्लेस जो ज्यादा मात्रा में जो मिलता है वह प्लेस है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्लेस है, जहाँ सबसे अधिक प्लेसों पे तैयार किया जाता है। तो ऑयल सीड्स के यूज बच्चों आपको पता है, इसको भी हमको बताना पड़ेगा, ग्राउंड नट यू नो, मस्टर्ड यू नो, कोकोनट ऑयल यू नो, तो ये सब ऑयल्स होते हैं जो या भी हम लोगों को अपने लाइफ में अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है और इसके भी एक निश्चित प्लेस होते हैं बच्चों। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन ओवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। आप देखिए
टोटल जो क्रॉप एरिया होती है उसमें ऑयल सीड्स को अगर देखा जाए तो 12% जो है लगभग या इस चीज की खेती होती है, 12% इसका एरिया मुख्य रूप से यह कवर किया है बच्चों। और इसके निश्चित प्लेस आपने समझा, ग्राउंड नट मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में है। और इसके प्लेस क्या क्या है बच्चों, हमने आपको बताया गुजरात भी आपका ऐसा प्लेस है जहाँ पे इसका प्रोड्यूस ग्राउंड नट का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा ये भी यहाँ समझना है, जैसे कुछ है मस्टर्ड ऑयल आपका है, मस्टर्ड ऑयल कैसी फसल है ये बच्चों, रबी क्रॉप्स है। आप ध्यान देंगे इसको कौन सी फसल किस तरह की क्रॉप्स है। और सिस्मम, सिस्मम कैसे क्रॉप्स है ये बच्चों, खरीफ क्रॉप्स है जो कि मुख्य रूप से नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया, याद रखिएगा। अब आप देखिए सिस्मम इज द खरीफ क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। अब आप देखिए ये कैसी फसल है, खरीफ क्रॉप हो जाती है नॉर्थ क्षेत्र में और रबी क्रॉप्स हो जाती है साउथ क्षेत्र में। बिकॉज प्लेस, जिस स्थान पे जिस तरह की क्लाइमेट, जिस तरह की सॉइल, जहां पे जिस समय पे सूटेबल हो, इसलिए ऐसा होता है बच्चों। अब हम लोग लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर। बच्चों सबसे पहले हमको ये समझना है हॉर्टिकल्चर होता क्या है, व्हाट डू मींस बाय हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर बच्चों कहा जाता है मुख्य रूप से इस तरह की खेती, इस तरह की बागवानी आप कर सकते हैं जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मुख्य रूप से खेती की जाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती की जाती है। दैट्स वर्क इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। तो कौन से प्लेस होते हैं, किस तरह का वेजिटेशन की आवश्यकता होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट, समझ लीजिए बच्चों, प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर चाइना, याद रखिएगा आफ्टर चाइना। चाइना नंबर वन पे है भाई और भारत देश सेकंड पे है किसके प्रोडक्शन में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। अब आप देखिए बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट इन आवर कंट्री स्टेट टू स्टेट एंड इन अदर कंट्री आल्सो फ्रॉम आवर कंट्री, ऐसे भी एक्सपोर्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट विदेशों में भी भारत के द्वारा होता है, और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अपने स्टेट टू स्टेट अपने कंट्री में भी होता है। जैसे आप देखिए मुख्य रूप से इसमें बच्चों आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर में हमने आपको जो बताया कौन सी फसल किस स्थान पे कहां से कहां इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए बच्चों एरिया के साथ इसके लिए चाहिए। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल, अब आप देखिए इंडिया में कैसा क्षेत्र चाहिए, ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन में मुख्य रूप से इसकी फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखिए इसका एक्सपोर्ट क्या होता है, मैंगोज आप महाराष्ट्र, आप देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंगो, और कहाँ कहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब आप देखिए ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आप नागपुर एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी मुख्य रूप से मेघालय, और बनाना कहाँ का बनाना, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा, लीची एंड गुआवा बच्चों उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और बच्चों देखिए पाइन एप्पल साफ कहाँ का, मेघालय, और ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर ये सब कहाँ के, इसी तरह बच्चों
जम्मू कश्मीर एंड अदर हिमाचल प्रदेश, तो इन सारे प्लेसों पे ऐसा ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इसका क्या होता है, जो दूसरे प्लेसों पे एक्सपोर्ट किया जाता है। जब आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होगा तो इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब बच्चों थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसमें समझ लीजिए। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद आपको वेजिटेबल्स भी समझना है। हमने आपको बताया हॉर्टिकल्चर दैट मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल, विश्व का 13% वेजिटेबल भारत देश प्रोडक्ट करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, मुख्य रूप से क्या तैयार करता है वेजिटेबल में, पीस, कॉलीफ्लावर, यूनियन, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटोज। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सब वो फसल हैं, ये सब वो वेजिटेबल्स हैं जो भारत देश में मुख्य रूप से प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों आप लोग ने क्या देखा, आप लोग ने इस वीडियो में मुख्य रूप से वो मेजर क्रॉप्स देखा जो फूड क्रॉप से, ग्रेन से अलग है, जिसमें आपने शुगर कैन के बारे में देखा, ऑयल सीड्स आपने देखा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखा। क्या आप ये जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इम्पोर्टेंट है? तो स्पेशली रेदर देन स्टेपल क्रॉप्स, जैसे यहाँ की एक इस तरह की क्रॉप्स है, इस तरह की फसल से जो जनरली एक उस रूप से यूज होता है ज्यादा से ज्यादा। हॉर्टिकल्चर फोकस ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, तो मुख्य रूप से हॉर्टिकल्चर किस पे फोकस करता है, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, फ्लावर्स पे। बच्चों एज अ रिजल्ट वी यूज क्रिएटिवली टू सीक सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर रिसर्च टू इनहेंस हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर वर्ल्ड एट लार्ज। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं अलग अलग प्लेसों पे, भारत देश में दूसरे प्लेसों पे भी, कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या इसको रॉ मटेरियल के रूप में तैयार किया जा सकता है, इससे रिलेटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर को रॉ मटेरियल बना के किस तरह का लाइफ यूज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार किया जाए, इससे रिलेटेड नए नए खोज, नए टेक्नोलॉजी, नया इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो रहा है। बच्चों तो बच्चों हम लोग ने इस वीडियो में एग्रीकल्चर चैप्टर के फिफ्थ वीडियो में शुगर कैन के बारे में देखा, ऑयल सीड्स देखा, बच्चों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में देखा। सो बच्चों इसके बाद हम लोग ये आपका मेजर फूड क्रॉप्स में मुख्य रूप से आपने क्या देखा, जो फूड क्रॉप्स अलग अलग ब्रांड्स का फर्स्ट टॉपिक था बच्चों, इसमें अभी हम लोग कुछ और देखेंगे। सेकंड मेजर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स का सेकंड वीडियो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टी एंड कॉफी के बारे में। तो बच्चों अब यहाँ पे इसको एंडिंग करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग टी और कॉफी के बारे में समझेंगे बच्चों। सो थैंक्स बच्चों एंड बाय वाला बच्चों।